हेलो एवरीवन, मैं हूँ सचिन और आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्ट्रीट की बहुत ही ज़्यादा फेमस रेसिपी तवा चिकन। तो जी हाँ, आज हम तवा चिकन बनाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, तवा चिकन को प्री कुक किया जाता है, यानी कि उसे पहले से कुक करके बनाया जाता है, लेकिन आज हम कच्चे चिकन यानी कि रॉ चिकन का यूज़ करेंगे इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं आज मैं आपको बताऊँगा। चलिए देखते हैं इसके इन्ग्रीडियंट को और शुरू करते हैं रेसिपी को। अब यहाँ पे तवा चिकन बनाने के लिए एक बड़े से तवे पे मैंने ले लिया है तेल। तो अब इसमें हम डालेंगे जीरा, एक दालचीनी का टुकड़ा और दो छोटी इलायची, और साथ ही हम डाल देंगे थोड़े से लौंग। साथ ही हम रफली कटा हुआ प्याज भी डाल देंगे, और साथ ही डालेंगे हम चॉप किया हुआ अदरक और चॉप किया हुआ हरा मिर्च। अभी हमने इन दोनों की क्वांटिटी थोड़ी कम रखी है, क्योंकि अभी हम बाद में अदरक, मिर्च और लहसुन का पेस्ट इसमें डालेंगे, कुटा हुआ पेस्ट। अब हमें सब चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से भूनना है। आप प्याज, हरी मिर्च और अदरक को अलग अलग नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखें। सारी चीज़ों को एक साथ डाल के तवे पर इसे अच्छी तरीके से भूनना है हमें। हमें प्याज को तेज़ आंच पे भूनना है, इस बात का आप ध्यान रखें। गैस को बिल्कुल तेज़ फ्लेम पे कर ले और तब इसे भूनें। आपको प्याज को ट्रांसलूसेंट करना है, उसके बाद जो है कि हम इसमें चॉप किया हुआ टमाटर डालेंगे। टमाटर डालने के बाद फिर से इसे भूनना शुरू करेंगे। तो प्याज की ये भुनाई बहुत ही ज़रूरी है, इन सारी चीज़ों की भुनाई से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो आप इसे अच्छी तरीके से भून लें। यहाँ पे हमने एक छोटे साइज का चिकन लिया है, यहाँ पे चिकन 500 ग्राम है। तो छोटे साइज का हमने चिकन इसलिए लिया है क्योंकि तवा चिकन बनाते हुए चिकन को प्री कुक किया जाता है। प्री कुक का क्या मतलब होता है, यानी कि चिकन को पहले से पकाया जाता है, या तो तंदूर में या तो इसकी ग्रेवी बना के, फिर चिकन को तवे पर डाला जाता है और उसे ग्रेवी के साथ पकाया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमने एक पूरे चिकन का यूज़ किया है, वो भी कच्चा चिकन है, और हम इसे तवे पर ही पकाएंगे। तो यहाँ पे हम चिकन की बहुत ही अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे, और चिकन की भुनाई हमें तब तक करनी है जब तक कि हमारा प्याज बिल्कुल भूरा ना हो जाए। देख सकते हैं कि चिकन की भुनाई बहुत ही अच्छी तरीके से हो रही है, प्याज और टमाटर की भी भुनाई साथ में हो रही है, जिससे कि प्याज और टमाटर के जो जूसेस हैं वो चिकन में बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स होंगे, मिल जाएंगे। और इसी तरीके से हमें प्याज को भूरा होने तक, प्याज और टमाटर को भूरा होने तक, बिल्कुल मैशी होने तक इसे पकाना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें अपने सूखे मसाले डालेंगे। तो सारी चीज़ों को हम बीच में कर लेंगे, क्योंकि गैस का फ्लेम बीच में ही होता है। तो अब यहाँ पे हम सूखे मसाले कुछ डालेंगे। तो सबसे पहले हम डाल रहे हैं इसमें नमक। नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे डेगी मिर्च, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे कश्मीरी मिर्च का, इसमें अच्छा कलर लाने के लिए। साथ ही हम डालेंगे जीरे का पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर, और यहाँ पे थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे हम, साथ में हल्दी डालेंगे। और अब तुरंत ही यहाँ पे हम डाल देंगे पानी, जिससे कि सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और मसाला हमारा जले नहीं। तो गैस को यहाँ पे आपको बिल्कुल लो फ्लेम पे कर देना है और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। इस तरीके से मिक्स करने पे हमारे जो मसाले हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से चिकन में मिक्स होंगे। तो जब आपका मसाला इस तरीके से अच्छी तरीके से पक जाए, मिलाते हुए चलाते हुए अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, उसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक, मिर्च और लहसुन का पेस्ट। तो अदरक, मिर्च और लहसुन का कुटा हुआ पेस्ट आपको डालना है, और इसे भी आपको धीमी आँच पर भूनना है। तो अदरक, मिर्च और लहसुन के साथ इस चिकन को पकाएंगे हम, इसे तवे पे अच्छी तरीके से हम इसकी भुनाई करेंगे। अगर आपको ऐसा लगे कि मसाला हमारा जल सकता है, तो आप बीच में थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो स्ट्रीट स्टाइल ये रेसिपी है, और इसमें बटर पड़ना बहुत ही ज़रूरी है।
तो यहाँ पे 2 चम्मच के आसपास मैंने बटर इसमें डाल दिया है। और अब हम इसकी भुनाई फिर से करेंगे। तो हमें इस चिकन को भूनते हुए ही आधे से ज़्यादा पका लेना है। फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर इसके बाद हम इसे पानी में भी पकाएंगे। तो चिकन को पकते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और हमने इसमें बटर डाला है और बटर के साथ इसे मिक्स कर रहे हैं हम। सारी चीज़ों को एक तरफ से चलाते हुए हम बीच में लेते आएंगे। हमें ये प्रोसेस बार बार करना है। और यहाँ पे अब हम डालेंगे थोड़ी सी मखनी ग्रेवी। अगर आपके पास मखनी ग्रेवी नहीं है तो आप इसमें काजू और टमाटर का पेस्ट डाल सकते हैं। थोड़ी सी मखनी ग्रेवी या काजू का पेस्ट डालना इसमें बहुत ही ज़रूरी है, इसमें रिचनेस लाने के लिए और अच्छे टेस्ट के लिए। मखनी ग्रेवी को मैंने पहले बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे ज़रूर देखिए। तो अब यहाँ पे हम डालेंगे कसूरी मेथी। अगर आपके पास कसूरी मेथी है तो डालें, वरना आप इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं। हरे धनिए का भी टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है। अब सब चीज़ों को हम फिर से मिक्स करेंगे। आपको किसी भी टाइम पे ऐसा लगे कि मसाले जल रहे हैं तो आप इसमें पानी ज़रूर ऐड कर लें। तो यहाँ पे अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, लगभग आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा, और फिर इसे हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पानी डालने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद गैस को थोड़ा सा हम तेज़ करेंगे, जिससे कि इसमें जो हमने पानी डाला है वो अच्छी तरीके से पक जाए। तो अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। हम इसे इसलिए ढक रहे हैं जिससे कि हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरीके से पक जाए। हमने यहाँ पे कच्चा चिकन लिया था, पहले से पका हुआ चिकन नहीं लिया था, इसलिए हम इसे ढक रहे हैं। अगर आप पहले से पका हुआ चिकन लेते हैं तो इसे ढकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तवा चिकन को ढक के नहीं पकाया जाता है, लेकिन यहाँ पे मैंने कच्चे चिकन का यूज़ किया है, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए इसे ढक रहा हूँ। सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब देख सकते हैं थोड़ा सा रोगन भी ऊपर आ चुका है। तो अब हम गैस को फिर से धीमा करेंगे और इसे हम ढक देंगे करीबन 15 मिनट के लिए। तो इस तरीके से हमने इसे ढक दिया है, बिल्कुल गैस को हम धीमा कर देंगे और इसे धीमी धीमी आंच पे पकने देंगे। तो यहाँ पे 15 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम इसे फिर से एक बार मिक्स करेंगे, तली को चलाते हुए हम इसे मिक्स करेंगे। और अगर आपको इसमें थोड़े और पानी या ग्रेवी की ज़रूरत हो तो आप पानी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी थिक बनती है। तवा चिकन को काफ़ी थिक बनाया जाता है, रिच बनाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा ये बटरी होती है, इसलिए हम इसमें पानी का यूज़ जो है अब नहीं करेंगे और इसे इसी तरीके से हम बनाएंगे। अब टाइम हो गया इसमें क्रीम डालने का। क्रीम इसमें क्या करेगा, क्रीम इसमें बहुत ही अच्छी स्मूथनेस लाएगा, जिससे कि ये हमारी डिश बहुत ही टेस्टी लगेगी। हमारे प्याज और टमाटर बिल्कुल घुल चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं, और यहाँ पे हमने क्रीम जो डाला है, क्रीम से ये और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। तो अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा और बटर, जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। लास्ट में बटर डालना बहुत ही ज़रूरी होता है स्ट्रीट स्टाइल में, तो बहुत ज़्यादा नहीं, आधा ही चम्मच हमने बटर और डाला है इसमें। और ये बटर जो हमने लास्ट में डाला है, इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट आएगा। तो हमारा ये जो तवा चिकन है लगभग बन के तैयार है, लेकिन अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से जूलियन कट किए हुए अदरक के टुकड़े, और इसे डालने के बाद अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है। इस जूलियन किए हुए अदरक का भी टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है। और आधा चम्मच के आसपास इसमें गरम मसाला डाला है ऊपर से, जिसका भी टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आएगा। बस समझ लीजिए कि हमने इसे फिनिश करने के लिए इसमें गरम मसाला डाला है। ये हमारी तवा चिकन बन के बिल्कुल तैयार है। आप इसकी ग्रेवी देख सकते हैं कितनी थिक है, और ये हमारा चिकन भी बहुत ही अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। अगर आप प्री चिकन का, पहले से पके हुए चिकन का यूज़ करते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, वरना आप इसे इस तरीके से भी बना सकते हैं।